फाइनली जिस वीडियो का हर किसी को इंतजार था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी के लिए इतना तैयार हूँ, शाम को नहा दोगे, ठीक है ना। तो कहानी स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट एक साल पहले, जब मैंने डिसाइड किया था कि भाई मेरे को बाइक लेनी है। मेरा मन था कि मैं एक्सपल्स लूँ। एक्सपल्स का सबसे बड़ा रीज़न ये था लेने का कि वो ना ऑफ रोडिंग बाइक थी, ठीक है, लेकिन भाई हाथी पालने वाली बात हो जाती है जब मैं एक्सपल्स में आया था स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये जो बाइक का चर्चा है ना, ये जो बाइक का हिस्सा है मेरी लाइफ का, मैं इसे खुद ही मैनेज करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर अपने पापा की लायबल रहूं या किसी पे भी रहूं। तो इस चीज़ में इस करके ना मैंने एक्सपल्स बिल्कुल भी नहीं ली। मैंने एक्सपल्स को बोला चलो अब तू होल्ड पर है, क्योंकि तभी एडवर्टाइजमेंट आया था TVS रेडर 125cc का, और ये बाइक भाई सच बता रहा हूँ, इसने जो आते ही तबाही मचाई है, लिटरली आते ही तबाही मचाई, मेरे दिल पर छा गई। और मैंने जिसको भी वीडियो भेजी ना रेफरेंस के लिए, मैंने कहा भाई ये वाली बाइक लेते हैं, तो ही वॉज लाइक भाई मैं भी सोच रहा हूँ लेने की, बट एक प्रॉब्लम आई। उससे पहले बाइक का एक प्रॉब्लम देता हूँ, दिस इज इंडिया फर्स्ट TVS रेडर। मैं लिटरली अब ये घर से कह सकता हूँ ये भारत की पहली ऐसी TVS रेडर है जो कि ऐसी मॉडिफाइड हो रखी है। इससे पहले जैसी दिखती है आप आराम से नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपको आराम से पता चल जाएगा कि कैसी दिखती है। लेकिन इस बाइक के साथ एक प्रॉब्लम जो मेरे को फेस हुई, इट वॉज टू मच ओवरबुक। ये बहुत ज़्यादा ओवरबुक थी, कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। लिटरली मैंने हरियाणा, NCR, मेरठ, दिल्ली का हर शोरूम, मुझे पता है मैंने 2-3 जगह बुकिंग भी करा दी। मेरा पैसा भी अभी वहीं पे फंसा हुआ है क्योंकि मैं लेना भूल गया, फिर अब वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कहीं नहीं मिली। बट एक पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने पापा ने अप्रोच करी, उन्होंने कहा सर एक कंडीशन पे दे सकते हैं, जो ट्रक है ना उसमें 6 बाइक आएंगी, ठीक है ना, और जो कलर आएगा वो लेना पड़ेगा। और किस्मत से हम लोगों को मिल गया था ब्लू कलर, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट TVS ब्लू कलर एडिशन है, ब्लू कलर है। अब इस बाइक की जो नया मॉडल आ रहा है उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल जाती है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, बट इस बाइक में ऐसा क्या अलग है जो इसको बाकी TVS से अलग बनाती है, मतलब इस बाइक में ऐसा क्या हो रखा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे को ट्रैवलिंग इज समथिंग, मेरे खून का हिस्सा है, और एज अ स्टूडेंट मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को सिर्फ कॉलेज जाना होता है, कॉलेज भी मैं पैदल जाता हूँ। मैं बहुत ही रेयर हुआ है अपनी बाइक को आज तक कॉलेज लेके गया हूँ, ठीक है ना। कुछ काम ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मेरी बाइक का रन हो। और एक बार मैं आपको मीटर चेक करा देता हूँ मैं इस बाइक को ऑलमोस्ट 17,262 मतलब हद हो गई 17,200 किलोमीटर चला चुका हूँ, ठीक है ना। चलो मैं ये बोल देता हूँ कि 28 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ये कंपनी से चल के आई होगी, उससे ज़्यादा नहीं। अब हिसाब लगा लो ये बाइक कितनी ज़्यादा चल चुकी है, ठीक है ना। ये बाइक ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी बाइक थी जो कि स्पीति करके आई थी, और वो भी काजा तक गई थी, विंटर स्पीति करके आई थी। ये दुनिया कह रहा हूँ दुनिया की पहली ऐसी रेडर होगी, ठीक है ना, और ये इंडिया की पहली ऐसी रेडर होगी, लिटरली बता रहा हूँ, जो कि रात को या दिन में कहो -29 या 20 कुछ में खड़ी रही, और सुबह उठे जब हम तब भी ये माइनस में दूसरे सेल्स में स्टार्ट हो गई, जस्ट ड्यू टू फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी। ये सारी तो कंपनी की दी चीज़ होगी। अब मैंने इसमें क्या अलग करवा रखा है, मेरे को चाहिए था बाइक का बहुत ही बल्की लुक, मतलब मैं बाइक मेरे को जब मेरे हाथ में आई थी मेरे को पता चल गया था ये बाइक बच्ची है, अभी इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। इसे ना वो देखो क्या होता है ना, बहू आती है शर्मिली शर्मिली सी, थोड़ी कम चप भी होती है, ठीक है ना, फिर वो ना ये बन जाती है, तो उसे ना इसे बल्की बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके मैंने सबसे पहले इस पर लगवाया वाइजर, ठीक है ना। इस वाइजर की इंस्टॉलेशन जहाँ भी देखोगे आप लोगों को बता देता हूँ, आप कहीं भी वाइजर इंस्टॉल करवाओगे वो इसके नंबर प्लेट के गार्ड में आपको वाइजर इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे लगा के, या 2 स्क्रू यहाँ लगा देंगे। बट ये वाला वाइजर इस बाइक का नहीं है, ये अपाचे का वाइजर लिया हुआ है, और इस वाइजर की फिटिंग कुछ ऐसी कराई गई है कि अगर हम इन वाले हैंडल्स बार पे देखते हैं जो कि हमारे हैंडल बार होते हैं, हमने यहाँ पर 2 नट लिए, ठीक है ना, इससे LNL लगाया और यहाँ पर इसको सपोर्ट किया, तो ये ना बिल्कुल हिलता नहीं है। अगर आप देखोगे ना ये वाइजर सीधा खड़ा है, बाकी रेडर्स के वाइजर टेढ़े होते हैं, ये वाइजर सीधा है जो कि और ज़्यादा बल्कि लुक दे देता है। इस फिटिंग के पैसे मुझे अलग से देने पड़े थे बट मैंने कहा चलता है। अब बीइंग अ ट्रैवलर मेरे को ना सेडल बैग्स तो लेने ही थे, ठीक है ना, ऐसा जिसमें मेरी लगेज आ जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ जिसमें मेरे साथ ही हो जाए, लाइक मैं अपना सामान इजीली कैरी कर पा रहा हूँ। तो जब मैं स्पीति जाने से पहले लॉकडाउन लग गया था, जिस वजह से मैंने सोचा था अब घर चलते हैं, और उस घर जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ हमारी स्पीति की राइड प्लान हुई, और स्पीति की राइड प्लान के साथ हमें मिले फर्स्ट फुल्ली मॉडिफाइड, लाइक ये जो आप देख पा रहे हो सेडल स्टैंड, मैं दावा दे सकता हूँ इस चीज़ को आप मार्केट में नहीं ढूंढ सकते, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है दिल्ली। दिस इज फुल्ली कस्टम मेड, लाइक कुणाल भैया हैं, उन्होंने ही ये डिज़ाइन करे, उन्होंने ही ये पाइप की बेंडिंग सब कुछ करा। आप ले सकते हो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट, वरना मैं काम करूंगा, मैं इस वीडियो में अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल डालता हूँ, वहाँ पर जाके आप फोटोग्राफ ले सकते हो, मैं सब कुछ डाल दूंगा। अब इनकी फिटिंग कैसे हुई,
आप बना लोगे बट आपके दिमाग में जरूर आएगा भाई इनकी फिटिंग कैसे हुई। तो आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप सीट खोलते हो तो इन दोनों स्क्रू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इन दोनों स्क्रूज को खोलना है, और इन दोनों स्क्रूज को जब आप खोलोगे ना तो आपकी बॉडी में कहीं इस जगह पे, इस एरिया में दो बोल्ट होंगे, एक इस साइड एक इस साइड, जो कि आपकी चेसिस में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, चेसिस में जुड़ा होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने इस फ्रेम को लिया, इस फ्रेम में ये जो पत्ती लगी हुई है, ये जो पत्ती निकली हुई है, ठीक है ना, ये पत्ती जो निकली हुई है उसको इस चेसिस में डाला। दूसरी फिटिंग जो हमने इसको और मजबूत करने के लिए करी वो यहाँ पर करी, यहाँ पे आपकी रेडर में होगा पॉइंट, ये जो सॉकेट होगा ये हिस्सा होगा, आप यहाँ पे भी बोल्ड कर सकते हो। तीसरी जो करी वो यहाँ से करी, ये तीन हो चुकी थी फुल एंड फाइनल। अब सबसे मेन फंडा था, जो दोनों सिडल स्टैंड है वो ऐसे ऐसे हिलने नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने इसको आपस में लॉक कर दिया इस बेंड पाइप की मदद से। एंड जो इसके बाद लुक आया था ना बाइक का, आई वाज लाइक भाई फाड़ देगी, लिटरली फाड़ देगी, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी कॉस्टिंग की, जो आप लोगों को नहीं मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ, पर मैं तब भी बता देता हूँ, इट ऑलमोस्ट कॉस्ट लाइक 2400 to 2500 दैट टाइम। लेकिन बीइंग वेरी फ्रैंक, अगर कोई लोहे वाला बंदा मिस्त्री आपका यार दोस्त है तब आपको ही मिल जाएगा, वरना मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। डिजाइन आप ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्पीति चला गया, लेकिन एक चुल अब भी थी भाई, मेरे को लगवाना था अपनी बाइक पे जो टॉप बॉक्स होता है ना वो। अब रीजन मैं बताता हूँ टॉप बॉक्स का क्या है। देखो ये लग गया, ठीक है ना, इसके लगने के बाद मेरा अगला प्लान था कि मैं क्रैश गार्ड लगवाऊंगा, जो कि बाइक को यहां से घेरेगा इतना हिस्सा, और ये हिस्सा ऐसे रहेगा। अब अगर मैं कस्टम मेड लाइक आफ्टर मार्केट लगवाता तो लग जाता, लेकिन भाई जैसी फिटिंग इनकी आई थी ना, मैं आई वॉज विलिंग कि भाई ऐसी ही फिटिंग लूं, क्योंकि एक बार आपको अच्छे दूध की आदत लग जाती है ना, फिर आप ऐसे कहीं का भी दूध नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो हमने कहा चलो इसको रहने देते हैं। लेकिन मैं एक दिन चला गया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में गया इसी मूड से था कि मैं अपने बाइक का वाइजर थोड़ा एक्सटेंड करा लूंगा, कुछ लाइटें लगवा लूंगा, ऑल दो दिन बाइक का बर्थडे था, बट मेरे मूड गया कि मैंने एक काम करता हूँ भाई, मैं लगवा लेता हूँ टॉप बॉक्स स्टैंड। अब टॉप बॉक्स स्टैंड की कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टॉप बॉक्स स्टैंड जो है, हम लोगों ने जो इसकी पत्ती थी इसी में बोल्ट कस दिया, ठीक है ना, ये टॉप बॉक्स स्टैंड यहीं से आया। एंड यहाँ पर जो हमारी बाइक का पीछे का हैंडल बार है उसमें छेद कर कर ये, तो अगर आप देख सकते हो दोनों जगह सेम तरह से फिटिंग करी गई है। एंड दिस वॉज समथिंग की अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दिस इज लाइक ठीक है, ये इससे ज़्यादा वजन कोई कोई नहीं झिल कोई झिलवाना भी नहीं चाहेगा अपने टॉप बॉक्स स्टैंड से। तो दिस अब अगर मैं बात करता हूँ टॉप बॉक्स स्टैंड की सिर्फ, तो टॉप बॉक्स स्टैंड जो मेरे को पड़ा था 650 रुपये का पड़ा चंडीगढ़ में। मैंने कुणाल भैया से सारी कन्फर्मेशन ले ली थी, भैया लगवा सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, एंड ही वॉज लाइक ओके तू करवा ले, प्राइसिंग ठीक है, दिल्ली में 200-300 का फर्क आएगा, तू करवा ले, वहाँ पे इतना तेरे आने में भी लग जाना है। तो चलो ठीक है, मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। 650 में पड़ा, जो मेरे से फिटिंग ली गई वो ली गई थी 550 की। अगर आपको आती है या आप करवा सकते हो, कोई जानकार है तो आपको 450-400 में करके दे देगा, ठीक है ना। जो मेरे को, मैं टॉप बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, मैं स्टड का कर रहा हूँ, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट कॉस्टिंग लाइक कि यार मेरे को 1430 रुपये समथिंग, जैसा कि अगर आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो वो टॉप बॉक्स मुझे पड़ा 1430 का। अब अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के एडवांटेज की, भाई एवरेज में बाप है, 125 cc के सेगमेंट में अगर मैं इस बाइक की बात करता हूँ तो लिटरली से ये बाइक बाप है, 125 cc में ये बाइक बाप है हर बाइक की। रीजन बिहाइंड दैट इज एवरेज स्पीड, पिकअप भाई बहुत सही पिकअप है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। 17,000 किलोमीटर पे भी अगर मैं गियर डाउन करता हूँ तो मुझे फील होता है कि बाइक भागने वाली है, मुझे ये फील होता है। मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं इस बाइक को ऑलमोस्ट 90-95 पे क्रूज करता हूँ, बहुत आराम से क्रूज होती है। ये नहीं बोलते कि मैं नहीं भागूंगी या मैं थक गई हूँ, ये बहुत प्यार से क्रूज होती है 90-95। और एक 125 cc की बाइक के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आजकल कंपटीशन में आपके पास पल्सर भी आ गई, SP, होंडा, बहुत सारी 125 की आ रही है, स्कूटियां भी आ रही हैं, बट दिस इज फाइव। इससे जो मैंने एवरेज निकाला है आज तक, मैं ऑन एन एवरेज की अगर एवरेज बात करता हूँ, 45-50 का एवरेज मैंने बहुत प्यार से बाइक से निकाला है, ज़्यादा ही निकाला है, ये मैं घसाड़ा ही घसाड़ा। अब बात करता हूँ लुक्स की, तो भाई बहुत ही दुल्हन वाला लुक दिया गया था इस बाइक को, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सी डेविल काइंड ऑफ बनाने की इसको कोशिश करता रहता हूँ। तो ये मेरे पास जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लू कलर में आई थी, अगर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इस साइड से देखना, ठीक है ना, ये मेरे पास ब्लू कलर में आई थी, बट बीच में एक्सीडेंट हुआ, उस वजह से हम लोगों ने क्या करा, हमने इस बाइक की हाफ टैंक हिस्सा जो है उसको ब्लैक टेप करवा दिया, ठीक है ना। ब्लैक टेप करवाने के साथ अब TVS की लेवल, जो TVS का लेवल है वो हट चुका था, और मेरे नाम का लेवल मुझे लगाना था इस बाइक पे, ठीक है ना, मुझे अपनी पहचान दिखानी थी कि यार दिस
ये पर्टिकुलरली ये जो बाइक है ना ये मेरे से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर हमने लगवाया अपना एक सिग्नेचर, ठीक है ना, ये सिग्नेचर हमने लगवाया, ठीक है ये सिग्नेचर हमने लगवाया ऊपर से ऊपर। इसमें मैंने ज़्यादा कोई छेड़छाड़ी नहीं करी आज तक लुक में ज़्यादा इसके, बट दिस इज फैबुलस। एक बात याद रखना, जब आप ये वाइजर, आप लोग ये वाइजर लगवाओगे तो आपको अपने इसका जो गार्ड होता है, जो नंबर प्लेट का गार्ड होता है, वो हटवाना पड़ेगा, वरना वो वाइजर में बजता ही बजता है आपके। ये वाइजर कभी कभी वाइब्रेशन भी करता है बट चलता है। इस वाइजर की कॉस्टिंग मुझे ऑलमोस्ट याद नहीं आ रहा है, बट 300-350-400 के लगभग मुझे पूरा वाइजर पड़ गया था। एक बार फिटिंग लग जाए तो वाइजर 200-250 का आ जाता है। फिटिंग करना मेन था, उस फिटिंग को मैंने भाई बंदे को खुश होकर पैसे दिए थे। मैंने इसमें हजार्ड भी लगवाया था, ठीक है ना, मैंने इसमें हजार्ड भी लगवाया था, जो कि कंपनी के फिटेड स्टॉक इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने वो हटवाए भी थे, बट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो हटवाना पड़ा। फिलहाल मैंने इसमें स्टॉक इंडिकेटर्स नहीं लगवा रखे। मैंने थोड़ी जो अलग लुक दी है बाइक को वो लाइट्स लगवा के दी है, ऑल दो मेरी एक लाइट अभी खराब हो रखी है, बाद में करवाऊंगा इसे ठीक। मैंने जो थोड़ी सी बाइक को लुक दी है वो लाइट लगवा के दी है, ताकि बस अच्छी लगे। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, लाइट की तो देखो जरूरत है। अब लाइट से याद आया, मैं इस बाइक की कोई डिसएडवांटेज बताना चाहूंगा जो कि लिटरली इस बाइक में है। देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, हम इंसान परफेक्ट नहीं है, भगवान ने बनाया, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, बट दिस बाइक लाइक लाइट की भाई बहुत समस्या है इस बाइक में। इस बाइक में लाइट की बहुत समस्या है और बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे लिटरली सेइंग इस चीज़ को, ये जो DRLs होते हैं ना, ये जो DRLs हैं इन चीज़ को चेंज करवा के हरा नीला पीला काला लाल कराने की। मैं आपको बता देता हूँ, अपने रेडर का हेड कभी मत खुलवाना। मैंने ये गलती पिछले कुछ हफ्तों में ही करी है और मैं ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि मेरे रेडर का हेड आवाज़ करता है चलते टाइम। कभी मत खुलवाना, होगा कुछ नहीं, वारंटी ख़राब नहीं होगी, बट जो फिटिंग आपकी कंपनी से वो ख़राब हो जाएगी सिर्फ आपकी कुछ पंक्तियों की वजह से। मेरी पंती नहीं थी, मेरा लेजर रीज़न था, क्योंकि मेरा हजार्ड हेड में लगा हुआ है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस हजार्ड के चक्कर में मेरा अब बैंड बज रखा है आगे का, तो मेरे को अब सस्पेंशन ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा और हेड भी फिर से बंधवाना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना। बाकी अगर आप लोग कंसिडर करना चाह रहे हो इस बाइक के बारे में और जानने में, तो डू लेट मी नो, ठीक है ना। प्रॉपरली तो बता ही दिया, इससे ज़्यादा प्रॉपरली मैं शायद आप और कुछ बता नहीं सकता हूँ, बट दिस बाइक इज़ नॉट अ बाइक, इसका नाम टार्जन है, ठीक है ना। और जब से ये आई है मेरे ख्याल से इसका नाम टार्जन ही रख दिया था, नहीं टाइम लगा था मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते, वो पीछे मानवी शूट कर रही है उसे पता होगी, 2-3 हफ्ते लगे थे, ठीक है ना। हमने जब नाम डिसाइड किया, हमने मैक्वीन सोचा था, बहुत सारे नाम सोचे थे हमने, बट आखिरी में आके टार्जन ही रखा गया इसका नाम। एंड और तो मतलब इसमें कुछ ऐसा खास बचा नहीं है आप लोगों को जो मैं बताऊं, बट दिस बाइक हैज़ कैपेबिलिटी, लिटरली गोइंग टू कैपेबिलिटी, लद्दाख जाने की कैपेबिलिटी है, ऑल इंडिया टूर करने की कैपेबिलिटी है, नेपाल करने की कैपेबिलिटी है। जस्ट मैं जिन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ उन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। मैं कभी भी इसे फुल थ्रॉटल नहीं देता हूँ, स्टार्टिंग में जब आई थी तब देता था, नया नया जोश था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि बाइक को 1/4 थ्रॉटल पे ही रखना है, उससे ज़्यादा बाइक को थ्रॉटल दिया तो लफड़ा हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं ध्यान में रखता हूँ अपने, वो ये रखता हूँ कि जो मेरी बाइक है ना, ठीक है ना, जो मेरी बाइक है उसको हर 2,500 किलोमीटर पर मेरे को सर्विस करानी है। कंपनी बोलती है 5,000 किलोमीटर पे करवाने के लिए, बट अगर आपको अपनी बाइक की लाइफ मेंटेन करके रखनी है तो यू हैव टू गो फॉर इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये पसंद आई होगी ये वीडियो, टार्जन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में कभी मत कराइए। मैं साइलेंसर भी मॉडिफाई करवाना चाह रहा था, ऑल दो आज हमने खुद मॉडिफाई कर दिया ब्लैक कलर से, मैं साइलेंसर भी मॉडिफाई करवाना चाह रहा था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि भाई इंजन के साथ छेड़छाड़ी मत करो, बर्बाद हो जाओगे, तो हम लोगों ने करवा दिया। अगली वीडियो क्रैश गार्ड की बनाऊंगा, जब भी क्रैश गार्ड लग जाएगा। एंड भाई अभी तो कम से कम 1-2-3 साल में कोई बाइक अपग्रेड कर भी लूंगा तो ये एक अलग ही मैटर है।